नमस्कार स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में फिर से एक बार और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट होगा बेसिक ज्योमेट्री नोड को हम कैसे यूज़ करते हैं ज्योमेट्री नोड बिल्कुल आप प्रोसीजरल तरीके से कुछ भी सिटी और बिल्डिंग्स एंड ऑल सो मैनी थिंग्स आप वैसे स्केटर कर सकते हो मतलब एक खास ज्योमेट्री के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सेप्स को आप एक बार स्केटरिंग कर सकते हो तो ये प्रोसेस कैसे होता है जस्ट हम आज ये इस ट्यूटोरियल में आपको एक प्रोसीजरल बिल्डिंग सिटी सिटी बिल्डिंग्स आपको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको ये आपको मैं एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ आई होप कि आप इस इसको यूज़ कर सकते हो वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स सिटी बनाने के लिए साइफाई सिटी बनाने के लिए तो चलिए एक बॉक्स से मैं शुरू करता हूँ इसके ऊपर तो आप टैप प्रेस करके आप एडिट मोड पे जाओ देन आप थ्री प्रेस करके देन जी प्रेस करके आप जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा रखो ऐसा मैंने क्यों किया कंपोनेंट मोड में अप रखा क्योंकि हमारा जो प्यूट पॉइंट हमेशा नीचे रहेगा है ना ऐसा रहेगा ताकि आप इसको कभी भी आर, आप रोटेशन करके देखो तो आपका प्यट पॉइंट बिल्कुल बॉटम में मिलेगा देन आप जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे इसको उसके ही साइड पर रख के आप इसको एक मॉडल बनाओगे तो चलिए आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप बना लो इसको मैं टैप प्रेस करके थोड़ा सा और टॉप फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे देन जी जेड पे थोड़ा सा ऐसा सेप्स रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें आप सेप्स बना लो जैसे इसको एक्सट्रूड करेंगे ई से एक्सटूड और थोड़ा सा एस इस करके इसको स्केल करके ऐसा सेप्स हम बना लेते हैं अब different, different आप डिफरेंट डिफरेंट आप बिल्डिंग बना सकते हो जैसे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ कि ऐसे हम इसको कर सकते हैं इसको ऑल्ट ए ऑल्ट ई प्रेस करने के बाद हम इसको नॉर्मल एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा बाहर की तरफ समथिंग इस टाइप का एक डिजाइन बिल्डिंग का होगा कुछ भी देन कंट्रोल आर प्रेस करके आप कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स बना लो और साथ साथ में मैं इसका ग्लो मटेरियल भी लगाएंगे इसके ऊपर ताकि आपका अगर आप ऐसे साईफाई सिटी बनाओगे तो आपको ग्लो भी करेगा एक बिल्डिंग लाइट्स के हिसाब से तो चलो आप इसमें आप इसको लूप को कट लगा दो मल्टीपल कट्स लाइक हमने इतना कट्स लगाए इसमें सेवन एट देन और भी हम कट इसमें लगाते हैं कंट्रोल आर इधर से भी देन आप इसको मल्टीपल इसमें डिवीजन आप ऐड कर लो फोर फोर डिवीज़न देन कंट्रोल आर इसमें भी हम फोर फोर डिवीजन कट कर लेंगे ऐसा कुछ तो ऐसा कटिंग करने के बाद हमें मिलता है कुछ ऐसा सेप्स देन आप कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट आप इसके नियर बाय रखो और इसको मैं अगर ऐसा रखता हूँ जैसे बिल्डिंग का आप अलग अलग आप सेप बनाओगे कंट्रोल आर अगेन और एक एक फ्लोर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको यहाँ से है ना कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं देन कंट्रोल आर और एक फ्लोर मान लो यहाँ पर होगा इस टाइप से कुछ भी और थ्री प्रेस करके आप चले जाओ सिलेक्शन मोड में लाइक ऑल्ट फेस सिलेक्शन मोड पे है देन शिफ्ट ऑल्ट देन शिफ्ट ऑल्ट और इसे हम ऑल्ट ई -E प्रेस करके इसको नॉर्मल एक्सट्रूड कर लेंगे बाहर की तरफ थोड़ा सा कुछ ऐसा तो कुछ भी हम डिज़ाइन यहाँ पे पहले एक बना लेते हैं जैसे एक एक को छोड़ के एक एक को छोड़ के सबको अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ एट ए टाइम लाइक यहाँ भी एंड इसके लिए देन ए तो वैसे आपका ये मॉडल आप कैसा बनाना चाहते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप जैसे इसमें डिज़ाइन करो बस कंसेप्ट को समझ के आप इसको काम करना है तो समथिंग मैंने ऐसा कुछ एक बिल्डिंग बना के आपको बताता हूँ फिर आपको स्पीड में कुछ बिल्डिंग्स बना के मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर तो ये जो हमारा सिलेक्शन हुआ इसमें मैं क्या करूँगा ऑल्ट ई e प्रेस करके ओके okay? या आप यहाँ पे करो आई प्रेस करके थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसा विंडो के जैसा बनाते हैं देन ऑल्ट ई प्रेस करके थोड़ा सा आप एक्सट्रूड कर लो इन लिटिल बट दिस तो अभी जो हमारा इसके ऊपर आप जाओगे इसका मटेरियल आइटम में तो आप देखोगे एक मटेरियल पहले से डिफॉल्ट लगे हुए हैं आप जैसा भी इसका कलर सपोज़ आप थोड़ा सा इसको ऐसा कलर रखो आप सेडेड मोड में रखो इसको कि ऐसा कुछ है एक डार्क कलर हम रखते हैं बिल्डिंग का नीयर बाई और जो सेलेक्टेड आइटम है उसके लिए मैं एक और मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करूँगा और इस मटेरियल को एक ब्लैंक मटेरियल होता है फिर हम यहाँ पे एक नया मटेरियल लेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे आपका एमिशन में तो जो एमिशन में कन्वर्ट हुआ जो सेलेक्टेड एरिया है ये इसे आप रख दो लाइट लाइट करके आप इसको रख दो लाइट्स होंगे और इसे असाइन कर दो जो सिलेक्शन है उसके ऊपर असाइन हो गया और आप इसको दो या तीन आप रेलू ए बढ़ा लो और प्लस ये मैं बताना चाहूँगा कि ई मोड पर मैं रखूँगा एम क्लोजन देन ब्लूम देन स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन इसको ऑन कर देंगे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और इसमें ग्लो होना चाहिए तो आप टेन टाइम इसको ग्लो करके देखो अब जैसे रेंडर मोड में आप देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल ग्लो दिखेगा आप नॉर्मल ऐसा बिल्डिंग और जो बाकी का जो मटेरियल बिल्कुल डार्क हो रहा है दिस मटेरियल आप थोड़ा सा इसको आप लाइट रख सकते हो लाइक like ऐसा तो जो भी हमारा अभी इसमें ऐसा मटेरियल है प्लस इसका हम थोड़ा सा इसमें स्पेकुलर कम करेंगे ना के बराबर या रफनेस को भी हाई कर लेंगे तो आपके इसमें रफनेस नहीं आएगा एज वेल एज़ हम आगे का और भी पार्ट मैं अगर दूंगा तो आप उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें ये कैसे करोगे मतलब टेक्सचर इसके ऊपर कैसे लगाओगे स्पेसिफ़िक तो वो भी मैं बताऊंगा आगे चलो तो थोड़ा सा मैं येलो एक कलर पे रखता हूँ समथिंग इतना और अभी मैं रखता हूँ फ़ाइव ज़्यादा नहीं ग्लो होगा या आप टू रखो तो ऐसा थोड़ा सा ग्लो होगा इसी तरीके से हम दो तीन बिल्डिंग्स बना लेंगे यहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स बना लेंगे तो चलो या आप शिफ्ट ए प्रेस करके फिर से एक ले लो मान लो कि इस बार मैं एक सिलेंडर लेता हूँ और इस सिलेंडर का डिविजन्स को हम कम कर देते हैं करीब करीब एट या सिक्स फाइव ले लो इस टाइप के भी बिल्डिंग हम बना सकते हैं और इसे भी बाय प्रेसिंग टैब और इसे भी ऑल सेलेक्टेड और जी प्रेस करके जेड एक्स स्पेस को जस्ट इसके ग्रिड पे रख दो समथिंग इसके एबव रहेगा नैट इस तरीके से यहाँ पे मैं एक जो डिजाइन बनाने जा रहा हूँ कंट्रोल आर तो मैं एक दो डिजाइन बना के आपको दिखाना चाहूँगा फिर उसके बाद आप उसी वे में आप मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाते जाएंगे बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो कंट्रोल आर करके मैं यहाँ भी दो तीन कट्स uh, हम यहाँ पे लगा लेते हैं सिक्स कट लगा लो ऑलमोस्ट और इनको बीच में पार्टीशन देते हैं ऑल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक देन शिफ्ट ऑल्ट क्लिक तो इससे क्या होता है आप इधर का आप ऑफ कर दो आपको ये कमांड नहीं दिखते हैं फिर बहुत सेलेक्टेड एस प्रेस करेंगे देन जेड एक्स इस इसको थोड़ा सा क्लोजर रखेंगे इतना और देन थ्री प्रेस करके आप चले जाओ सरफेस सिलेक्शन मोड पे फेस सिलेक्शन मोड पे देन होल्ड ऑन ऑल्ट देन इस, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा लूप सेलेक्ट हो जाता है इस एज के ऊपर देन ऑल्ट ई प्रेस करके इसका एलोंग आप इस इधर के बाहर की तरफ थोड़ा सा ये रख सकते हो प्लस यहाँ पे भी मुझे ऑल्ट इस पर क्लिक करना है देन ऑल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दो इसको भी बाहर की तरफ थोड़ा सा इतना तो इस तरीके से हम जो भी मॉडल हम बनाते हैं आपको बस एक दो आइडिया में बताता हूँ देन एक्सट्रूड करके इसको थोड़ा सा आप हाइट कर दो वैसे कितना इकोपाइट करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है देन कंट्रोल आर और हर एक में मैं दो दो कट्स यहाँ पे लगाना चाहूँगा यहाँ पे कंट्रोल आर देन टू कट फिर कंट्रोल आर टू टाइम से इधर रख लो अगेन कंट्रोल आर इसके लिए भी टू टाइम कंट्रोल आर देन ओके टू टाइम सो इस टाइप से हम इसमें और भी कुछ विंडोज़ बनाएंगे देन आप फेस सिलेक्शन मोड में जाओगे चारों तरफ से इन फेसेस को सिलेक्शन करेंगे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लाइट मैं कर दूंगा है ना तो सेम प्रोसेस अगर आप एक दो बिल्डिंग को देखते हो इस तरीके से आप बहुत कुछ बना सकते हो इसमें आप एक्सट्रूड करो ऑल्ट ई -E, देन आप नॉर्मल एक्सट्रूड बाहर की तरफ थोड़ा सा निकालो इतना देन आज प्रेस करेंगे इसको इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और फिर से और ऑल्ट ई -E प्रेस करके फिर से आप नॉर्मल बैक साइड में जाओ लाइक दिस और वैसे ही हम करेंगे इसमें भी एक मटेरियल लगाएंगे देन सिलेक्शन है तो आप देखोगे कि अभी आप मटेरियल स्लॉट्स के ऊपर हो तो अभी कोई मटेरियल नहीं है जो सेलेक्टेड है उसके ऊपर मटेरियल लगाने के लिए हम एक नया मटेरियल लेते हैं तो टेक न्यू मटेरियल और अगेन न्यू मटेरियल करेंगे इसको अगर मैं रखना चाहता हूँ असाइन मटेरियल कर देता हूँ इसको तो इस पर असाइन होगा सिर्फ ए मटेरियल अगेन एक और मटेरियल हम लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक और न्यू मटेरियल लेंगे देन इस मटेरियल को हम लोग फिर से लाइट बनाएंगे एमिशन देन इस मटेरियल को रखो लाइट लाइट ग्रीन या कुछ कुछ ग्रीन टाइप का अगर मैं रखूँगा तो ऐसे लाइट का नाम रख दो और ये इमिशन मटेरियल सेलेक्टेड आप यहाँ पे स्लॉट्स पे क्लिक करोगे और इसे आप ग्रीन लाइट्स को इसके ऊपर अप्लाई कर दो तो ये अप्लाई हो जाएगा ओनली इस सेलेक्टेड आइटम पे या आपको एक बार नहीं अप्लाई होता तो रिफ्रेश कर लो इसको ऑल सेलेक्शन ये हालांकि बहुत टाइम लग जाता है लेकिन हम अगर प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं देन ग्रीन मटेरियल पे जाएंगे देन इसको असाइन कर देंगे तो आप जैसे असाइन करोगे इसको थोड़ा सा ग्रीन टाइप का लाइट रख लो लिटिल बिट ग्रीन और देन इसको हम रखते हैं कोई भी ले लो भेलो अभी जैसे सिक्स है आप टू कर लो कम रखो इसका लाइट समथिंग और ज़्यादा ग्रीन लाइट रखना है और इसको आप रखना है अगर थ्री तो ऐसे आप लाइट यहाँ पे होगा तो इस टाइप से आप जितने भी बिल्डिंग्स बना लो डिफरेंट डिफरेंट जी प्रेस करो और इसको भी वाई एक्सिस पे आप इसको ड्रैग करके रख लो तो फ़िलहाल मैं ऐसे बहुत सारा अगर आप लेके चलते हो जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप का आप ऐसे मॉडल्स बना लो सिंपल तो एक और क्यूब लेता हूँ मैं देन इसको टाइप प्रेस करके एडिट मोड पे जाएंगे, देन जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा इसको अप एव रखेंगे देन इसको आप कर दो जी थोड़ा सा जी प्रेस कर जेड एक्सिस के ऊपर इतना पे रख दो तो ऐसा भी हम क्यूबिक टाइप का भी बिल्डिंग्स बनाएंगे बाद में भी हम इसको एडिटिंग कर सकते हैं आफ्टर दैट तो जैसे अगर आर और वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा सा इस एंगल पे रख लो थोड़ा सा ऐसा देन ई प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, जेड एक्सिस पे एक्जैक्टली ऊपर जेड एक्सिस पे इतना और इसके चारों तरफ से ऑल्ट ई प्रेस करके ऑल्ट ई प्रेस करो देन इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लो लाइक दिस तो ऐसा कुछ भी हम मटेरियल अलग अलग बिल्डिंग्स एंड जो भी हम बनाते हैं इस पर को भी कोई एक सिंपल मटेरियल लगा दो इनिशियली मान लो कि इसको थोड़ा सा कलर हम रखेंगे डार्क समथिंग ग्रेस और इसका आप स्पेकुलर हटा दो रफनेस को बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रखो कोई रफनेस की ज़रूरत नहीं है और इस लाइट को मैं बदल देता हूँ सनलाइट में तो दिस लाइट सेलेक्टेड आप इसको सनलाइट कर दो और इसका इंटेंसिटी टेन रखो बहुत ज़्यादा नहीं टेन इंटेंसिटी काफ़ी होता है वैसे टू या थ्री रखते हम एक सन की तरह ऐसे इफेक्ट देगा आर प्रेस करके देखोगे तो एक डायरेक्शनल हो रहा है तो चलो एक्चुअली मेरा जो मेन कंसर्न है वो उसकी हम बात करूँगा मैं आज तो जी प्रेस करके वाई एक्स पे इसको भी ड्रैग करके रख लो इधर तो इस टाइप से हम बहुत सारा मल्टीपल ऐसा बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं एक साइफाई सिटी को तो आप इसको थोड़ा सा चलो यहीं पे रहने दो इसको शिफ्ट ए प्रेस करके आप एक नया प्लेन लोगे ये प्लेन होगा जो आपका इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनेंगे तो आप इसको इधर रख सकते हो जी प्रेस करके वाई एक्सिस पे इधर देन एस प्रेस करके आप ट्वेंटी टाइम इसको बड़ा कर लो बीस ट्वेंटी टाइम इसे बड़ा कर लिया अब देन हम यहाँ पे जाते हैं इस सेटिंग्स के ऊपर और इसे कन्वर्ट कर लो आप इस व्यू को ज्योमेट्री नोड एडिटर तो चलिए पहला वीडियो है आज ये मैं ज्योमेट्री नोट के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए और आप ऐसे यूज कर सकते हो और भी फ्यूचर में मैं इसके ऊपर और भी कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसको लेके आऊँगा बस हमारा ये कंसर्न था कि आज मैं आपको बताने की कोशिश बेसिस करता हूँ कि ज्योमेट्री नोट होता है कैसे सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नोड क्रिएट करते हैं पहला जैसे ये जो प्लेन सेलेक्टेड है प्लेन के ऊपर स्कैटर होगा एवरीथिंग तो ये क्या करता है आप यहाँ पर जैसे न्यू करोगे तो आपको एक इनिशियल नोड आपको मिलेगा जैसे शेडर में मिलता था एक इसमें ग्रुप इनपुट होता है ज्योमेट्री का इधर से जो भी होगा और ये लेफ्ट आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है ज्योमेट्री आउटपुट मिल रहा है मतलब यहाँ से जो भी हम इनपुट करेंगे वो हमारा आउटपुट मिलेगा इसके ऊपर इस के इन बिटवीन तो चलो यहाँ पे हम लोग कुछ लेते हैं सबसे पहले हम लोग एक उठाते हैं पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और आप एक ले लो शिफ्ट ए प्रेस करो अभी यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइंट मोड पे जाएंगे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन नोड लेते हैं आप इस पर क्लिक कर सकते हो आप देखोगे डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो गया बट ऐसा क्या आप देखोगे कि अजीब सा आपको दिख रहा है यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं ये ज्योमेट्री जो हमने लगाया ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसी ज्योमेट्री को बना के सेम टू सेम और यहाँ पे आप फिर से लो शिफ्ट ए प्रेस करो इस बार ले लो एक एट्रीब्यूट्स ले लो जैसे एटीब्यूट्स में हम लेते हैं रेंडम एटिब्यूट्स यहाँ पे रेंडोमाइज करने के लिए तो एक रेंडोमाइज एटिब्यूट्स लगाओ तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये जोमेट्री टू तो जोमेट्री टू तो जोमेट्री तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन कौन सा ये इसमें इंस्टेंस पॉइंट होगा जो हम लगाएंगे तो हमारा ये सारा इंस्टेंस पॉइंट होने वाला है जिसके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं तो चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ देन फिर से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे अब दिस टाइम हम लेंगे पॉइंट डिस्ट ये पॉइंट इंस्टेंस है ना तो पॉइंट में जाएंगे पॉइंट इंस्टेंस यहाँ पे लगा दो तो आप देखोगे प्लेन बिल्कुल गायब होता है क्योंकि प्लेन का आउटपुट अगर हम यहाँ पे ग्रुप इनपुट और ग्रुप ये ज्योमेट्री आउटपुट के साथ अगर हम कनेक्शन नहीं रखते इन बिटवीन मैंने जो कनेक्शन किया अभी मैंने इसके इन बिटवीन कुछ कनेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो इस नोट को अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर करोगे तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर देता है ये बीच का तो इसके लिए एक आता है आपका जॉइंट uh, ज्योमेट्री करके जैसे हम लोग मिक्स सेडर यूज़ करते थे सेडिंग में और यहाँ पे वैसे ही मिलेगा शिफ्ट ए प्रेस करो आपको मिलेगा यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में ज्वाइंट ज्योमेट्री और ये जॉइंट ज्योमेट्री को एक कनेक्ट कर दो इसके बीच में देन ये इस कनेक्शन को हम इस पर रखते हैं तो अब सवाल उठता है कि हमारा ये प्लेन तो दिख रहा है लेकिन जो हम इसमें लिंक करने जा रहे हैं जिन चीज़ों को जैसे ये सारे बिल्डिंग्स को हम इसके अंदर लिंक करेंगे जैसे ये बिल्डिंग को हमें लिंक करना है पहले तो ये आप प्लेन को पकड़ोगे सेलेक्टेड प्लेन देन यहाँ पे आप देखेंगे यह दो बात होती है इसके अंदर आप यहाँ से ड्रॉपर को पकड़ के कोई भी बिल्डिंग को ऐड करो इसमें जैसे मैंने पहला बिल्डिंग को ऐड किया इसके साथ तो ये जितना भी बिल्डिंग्स है ये बहुत ही ह्यूज आ गया रीजन इज़ दैट यहाँ पे कुछ हमें कुछ ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे जैसे इसको फ्लॉट को हम बनाते हैं वैक्टर नोट यहाँ पे वैक्टर मोड पे रखते हैं प्लस ये एक्टिव्यूट जो होगा स्केल एक्टिव्यूट होगा तो आप स्केल ऐप एटीब्यूट को ऐड करो इसके अंदर और ये वेक्टर होने के वजह से क्या होगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम इसका जो स्केलिंग होगा इन इनके बीच में काम करेगा जैसे हम चाहते हैं कि मिनिमम स्केल पॉइंट वन पॉइंट वन देन पॉइंट वन रखता हूँ ओके okay? और मैक्सिमम करता हूँ पॉइंट ज़ीरो टू या आप पॉइंट वन रखो यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट ज़ीरो टू पॉइंट जीरो फाइव रख सकते हो कुछ भी रैंडम वैल्यू आप रख दो पॉइंट जीरो सिक्स कुछ रख लो और इधर सब पॉइंट वन मतलब अभी सभी वैल्यू को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ेंगे और यह एक जगह पॉइंट वन देंगे सबका पॉइंट वन वैल्यू हो गया बट अभी यहाँ पे जो आपको देख रहा है कि ये आपको एक बार इसको रिसेट करना पड़ता है जो स्केलिंग पार्ट है जिसके वजह से आपको बिल्डिंग बहुत ह्यूज दिख रहा है तो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे और आप यहाँ पे स्केल को एक बार सभी को रिशेट कर दोगे तो रिशेट स्केल होने के बाद आप देखेंगे कि ये तो बिल्डिंग्स का बहुत ज़्यादा डेंसिटी आ गई यहाँ पे और एक बिल्डिंग पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नोड है आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको वैल्यू को कम करो जैसे पॉइंट हम अगर करते हैं तो हमारा इतना आता है है ना आप यहाँ से स्केलिंग कर सकते हो जैसे इसे सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप स्केल कर सकते हो और अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँ तो सम टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे स्केल नहीं हो पाता है ना तो पॉइंट ज़ीरो थ्री या टू रहने दो इसको और इसे करो आप यहाँ से स्केल कर सकते हो अब इसको टैप प्रेस करके आप एडिट मोड में जाओगे देन ए प्रेस करोगे ऑल सेलेक्टेड और अब इसको हमें स्केल करना है स्केल एंड जेड एक्सेस पे स्केल करना है समथिंग आप इसे स्केल करो और फिर से स्केल करके आप छोटा कर सकते हो कि बिल्डिंग का कितना साइज होगा और हमें देखना होगा कि ये हमेशा ये पॉइंट जो होगा इसका बिल्कुल नीचे चिपकना चाहिए अदरवाइज़ ये आपका इतना ऑफसेट में रहेगा ऊपर तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे को थोड़ा सा नीचे इसके अंदर इंप्रेस कर दो समथिंग ऐसा तो ऐसा हो गया अभी मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखूँ इस पर क्लिक करूँगा मैं फिर से एडिट मोड पे जाके के, जा के ऑब्जेक्ट मोड में सॉरी मैक्मम मिनिमम वैल्यू जो है पॉइंट जीरो वन अगर मैं रखता हूँ इसको और पॉइंट ज़ीरो वन और पॉइंट ज़ीरो टू समथिंग और इसको रखते हैं पॉइंट ज़ीरो टू देन पॉइंट ज़ीरो टू कभी कभी अपडेट नहीं होता है पॉइंट ज़ीरो टू और ऑल सेलेक्टेड यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल ए और एक बार फिर से स्केल कर देते हैं ऐसा जो हमारा स्केल होता है इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर तो सेम अगर आप इसको इस एरिया को अगर बढ़ाना चाहते हो प्लेन सेलेक्टेड तो प्लेन सेलेक्टेड आप यहाँ से इसको इनहेंस कर सकते हो और भी ज़्यादा आपको डेंसिटी इसमें लेनी है तो आप देख सकते हैं ऐसा और अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि इस प्लेन को सिलेक्शन करने के बाद एडिट मोड में बाय प्रेसिंग टैब और इस स्केल करके इसको ज़्यादा एरिया में आप लोगे तो आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा इसका तो आप चलो जितना भी आपको साइज के हिसाब से लेना आप इतना कर लो एंड आप यहाँ पे ऐसा होता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नोट के ऊपर हमारा ठीक है एवरी थिंग यहाँ पर छोड़ दो अभी फ़िलहाल अभी आप बेसिक समझ लो इसको कैसे हमें करना है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, होता है इसको आप कम कर सकते हो तो पॉइंट ज़ीरो वन से आप रखो इसको पॉइंट ज़ीरो फाइव रखो या आप रखो पॉइंट ज़ीरो सिक्स या आप रखो पॉइंट ज़ीरो थ्री रखो समथिंग लाइक दिस इतना डेंसिटी हमें चाहिए एक का तो अभी हमने एक बना लिया अभी हमारे पास दो मॉडल जो था पहले से अवेलेबल जो हमने मॉडल किया था ये यहाँ से हिडन है तो जी प्रेस करके आप इसको वाई एक्सिस पे ड्रैग कर लो एक इसके अंदर है या इस ये यहाँ पे है फिर इसको भी जी प्रेस करके और थोड़ा सा वाई एक्सिस पे इसको ड्रैग कर लो तो बाकी का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे बाकी का मल्टीप्लाई तो आप यहाँ से पकड़ो लाइक अब यहाँ पे फिर से हम लोग रिवर्क करेंगे तो अभी हमें क्या करना होगा इसी नोड का हमें कंटिन्यू जो तीन तरह का हमने जो बनाया हुआ है यहाँ पे मॉडल हर एक मॉडल को इसके अंदर हम कनेक्ट करेंगे ठीक है तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करो ऑल सेलेक्टेड शिफ्ट डी प्रेस करके इसका सेम डुप्लीकेशन करेंगे इसका देन आप अब देखो ये ज्योमेट्री नोड सेम शेडर के तरह आपका काम करता है शेडिंग नोड में हम लोग यूज़ करते थे जैसे जो ज्वाइंट जोमेट्री है इससे हम जितना भी मल्टीप्लाई इसमें कनेक्ट करते जाएंगे शिफ्ट डी प्रेस करेंगे इसका इसका भी डुप्लीकेट करेंगे दिस टाइम मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा कनेक्शन वन पे और कनेक्शन टू दो ही कनेक्शन इसके ऊपर पॉसिबल होता है राइट right क्लिक करके कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको ब्रेक कर देंगे देन इसका ये दोनों का जो आउटपुट हो रहा है ये मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा तो अब ये दो आउटपुट इसके साथ मिलके जा रहे हैं और इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो ये हो गया अब देखो यहाँ पे जो हम दूसरा यहाँ पे लेंगे इसको डिलीट कर दो फिर ड्रॉपर पे इस बार दूसरे वाले बिल्डिंग को लेते हैं तो दूसरा बिल्डिंग तो इसके ऊपर सेम टू सेम कनेक्ट हो गया लेकिन ये जोमेट्री नोट जो इनपुट होगा उसको भी कनेक्ट होना ज़रूरी है तो इसको कनेक्ट कर दो इस जोमेट्री के साथ समथिंग यहाँ है ना तो जैसे जोमेट्री का कनेक्शन हुआ दोनों का सेम है तो आप देख सकते हो कि एक प्लेसमेंट सेम टू सेम हो गया तो आप यहाँ से एक सीडिंग होती है इवन आपका आप सीडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो थ्री फोर सीड्स है तो पहले का इसमें और स्केल में डिफरेंट करेगा और दूसरा सीडिंग ये प्लेसमेंट में डिफरेंट करेगा जैसे मैंने यहाँ पे सीडिंग करके थोड़ा सा चेंज किया प्लस इसको मैं रखता हूँ जीरो पॉइंट जीरो टू कम बिल्डिंग्स इसमें चाहिए तो आप इतना रख लो और प्लस इस बिल्डिंग को आप चाहते हो कि एकदम स्मॉलर हो तो फिर से आप यहाँ पे आओ देन एडिट मोड में बाय प्रेसिंग टैब देन ऑल सेलेक्टेड इसको आप स्केल करो तो इस स्केलिंग करेंगे एकदम स्मॉल और फिर जी प्रेस करके इसको जेड एक्सिस पे बिल्कुल नीचे पॉइंट पे रखेंगे कि ताकि ये अर्थ के ऊपर आपको लगा रहा है समथिंग ऐसा थोड़ा सा आप ऐसा रख लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप चाहते हो टाइप प्रेस करो ऑब्जेक्ट मोड में जाओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ज़्यादा रखें मतलब आप इसको ज़्यादा बिल्डिंग बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे क्या करो पॉइंट ज़ीरो फोर कर दो इसको तो आपको देखोगे ये वाला छोटा वाला बिल्डिंग कुछ ज़्यादा मिल रहा है टाइम टू टाइम बस बस आप ऐसे ही करते जाओगे नेक्स्ट अगर मैं इसका अगर कनेक्ट करता हूँ अगेन दूसरा तो लेट्स सी अभी आपको क्या करना है फिर से डुप्लीकेट करना है इतना को कंट्रोल शिफ्ट डी सॉरी शिफ्ट डी देन इसका फिर से कनेक्शन कर दो अब ये ऐसे मल्टीपल कनेक्शन हम ऐसे करते जाएंगे ज्योमेट्री के साथ ये और यहाँ से फिर से एक और लेंगे शिफ्ट डी प्रेस करके दूसरा और इस बार क्या करेंगे अब अब इस बार ये कनेक्शन होगा इसके साथ ओके यहाँ से जो कनेक्शन होगा इन दोनों का दी इसका और ये हमें कनेक्शन करना होगा एक पहला इसके ऊपर और दूसरा जो कनेक्शन होगा इनके लिए है ना आप इसको कनेक्ट कर दो इसके साथ दूसरे वाले को और इसे डिसकनेक्ट करो बाय होल्ड ऑन कंट्रोल एंड राइट क्लिक देन इसे कनेक्ट करो इसके साथ सो so, आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा ये ऐसे हम बना लेते हैं और इसके अंदर जो कनेक्शन होगा सेम टू सेम अगर मैं सिलेंडर के जगह में जो दूसरा बनाया था ये बिल्डिंग का आप नाम भी रख सकते हो अलग अलग इस बिल्डिंग को मैं ये से कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ क्रॉस करके तो देखोगे आप ये बिल्डिंग इसके अंदर चला गया और ये बिल्डिंग हम थोड़ा रखते हैं मतलब इसका काउंट को हम कम करते हैं जैसे पॉइंट ज़ीरो वन करते हैं बहुत ही कम काउंट काउंट रहेगा प्लस इसकी जो बाद में हम ये कर सकते हैं इसमें एडिटिंग कर सकते हैं तो चलो आपको एडिटिंग बाद में भी करके इसको ला सकते हैं जैसे आप टाइप प्रेस करो और वन प्रेस करके आप इसमें चले जाओ वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे देन शिफ्ट जेड और टॉप का सिलेक्शन करके जी एंड जेड एक्सिस पे को थोड़ा सा लंबा कर दो ऐसे ताकि आपको ये बिल्डिंग थोड़ा सा टावर जैसा फील देगा अगर आपको लगता है तो टावर बना सकते हो और ये हो गया फिर आप टैप प्रेस करके ले आओ और इस तरीके से टैप प्रेस करेंगे सबको एडिट मोड पे और इसका भी सेलेक्टेड है आई थिंक ये हाँ तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। और हम सिर्फ जेड प्रेस करके हम देखते हैं और इसमें भी अगर आपको मटेरियल लगानी है बाद में आप मटेरियल एक एक मटेरियल इसमें यूज़ कर सकते हैं तो चलो इसके लिए जो हमारा मटेरियल लगा हुआ है हम एक और मटेरियल ऐड करेंगे इसके अंदर और इस मटेरियल को हम न्यू मटेरियल लेके इसको हम रखेंगे समथिंग लाइट लाइट टू या कुछ भी अलग नाम से दे दो और यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो एमिशन एमिशन कनेक्ट हो गया इसको मान लो थ्री परसेंट आपको रखना है लाइट सीन के अंदर अब चलो इसमें हम काम करते हैं इसको अप्लाई लाइट टू को हम करेंगे इसी मटेरियल के ऊपर अप्लाई तो चलिए आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडिट मोड में जाओगे कंट्रोल आर प्रेस करो इसमें आप, आप क्या करो मल्टीपल आप इसमें डिविजन्स डाल दो जिस इतना डिविज़न हम डाल देते हैं और इससे थोड़ा सा डिजाइन करते हैं कुछ डिफरेंट जैसे तो इससे ऐसा रख सकते हो चलो ऐसे स्ट्रेपर हो रहा है बट ठीक है बट एक जस्ट मेरा एक कंसर्न था आपको आइडिया देने का कैसे आप ऐड करोगे इस टाइप से मटेरियल में और आप कैसे बिल्डिंग्स क्रिएट करोगे समथिंग ऐसा साईफाई टाइप का तो ये सिलेक्शन करके ऑल्ट ई -E प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर या इनसाइड कर देंगे इसको इनसाइड थोड़ा सा ऐसा स्टाइल में और ये जब इनसाइड हो जाता है इसको हम लोग ऑल्ट ई प्रेस करता हूँ इसको मैं इंडिविजुअल फेस को अगर मैं इसको रखता हूँ कुछ इस टाइप का समथिंग ऐसा डिजाइन हम बिल्डिंग का रखते हैं और फिर हम आई प्रेस करते हैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का रखते हैं थोड़ा सा एक साइफ बिल्डिंग का हम ऐसे रख सकते हैं तो हमारा जो लाइट मटेरियल था इसको मैं असाइन कर देता हूँ इसके ऊपर लाइट मटेरियल को और इसको आप थोड़ा सा ब्लू कलर में आप ले लो समथिंग थोड़ा सा डार्क ब्लू आप इसको ले सकते हो समथिंग ऐसा तो साईफाई बिल्डिंग का आपका ऐसा मॉडल बनता है समथिंग दिस तो इस तरीके से हम लोग ऐसा कुछ साईफाई बना लेते हैं और मैं अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ए एवी ई में ही रेंडर करो इसको तो अभी ई में रेंडर करने के लिए जो हमारा लाइट सोर्स है मान लो कि इस एंगल से लाइट आ रही है आर प्रेस करके इसको एंगल को मान लो इस टाइप से रखो जी प्रेस करके थोड़ा सा अप करो ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे हमारा सीन होगा और कैमरा को हम सेलेक्ट करते हैं देन कैमरा सेलेक्टेड कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करो तो आप कैमरा का मूवमेंट में चले जाते हो देन आप कैमरे को लॉक करो व्यू में जाओ देन कैमरा को लॉक करके हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे एक खास एंगल समथिंग तो ये कैमरे का आगे का सीन आपको नहीं दिख रहा है जब जूम आउट हो रहा है है ना मान लो कि इस एंगल से हमें दिखाना है बिल्डिंग्स को समथिंग ऐसा साइफ है बिल्डिंग लाइक दिस और इसको अनलॉक करेंगे थोड़ा सा ये हमारा व्यू होगा और इसके बाद हम जाते हैं इसका जो फोकल लेंथ है इसको हम रखते हैं ट्वेंटी फाइव कम कर दो फोकल लेंथ और उसके अकॉर्डिंगली आप एक बार शेट करो तो आपको थोड़ा सा ब्रॉडर एंड ऐसा शॉर्ट दिख सकता है सीन के अंदर इंटरेस्टिंग तो ऐसे सायफाई बिल्डिंग आप बना सकते हो और इसको अगर इसको ऑफ करो देन इन प्रेस करके इसको इससे निकल जाओ अब इसमें अगर हम ऐड करते हैं हमारा कैमरा ऐड हो गया यहाँ पे और लाइट्स भी ऐड हो गए उसके अकॉर्डिंग एक मैं लेता हूँ यहाँ पे शिफ्ट ए ऑब्जेक्ट मोड में हूँ मैं अभी और यहाँ पे लेता हूँ एक आप ले लो एक क्यूब और क्यूब जो हुआ एस प्रेस करेंगे इसको बड़ा करेंगे साइज में और इस क्यूब को पूरा इसके अंदर कवर कर देंगे पूरा सिटी को तो जी प्रेस करके इसके अंदर लाएंगे देन एस एंड वाई एक्सिस पे थोड़ा सा और एस एंड एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इसको कवर करेंगे और एस एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा कम करते हुए इतना भी कम नहीं थोड़ा सा इतना हाइट पे देन आप इसके अंदर कैमरे में चले जाओ बाई प्रेसिंग जीरो कैमरे मोड में जाते हो वैसे हमारा कंसर्न है इसमें ये लगाने का वॉल्यूमेट्रिक्स तो वॉल्यूमेट्रिक्स के लिए आप आ जाओ यहाँ पे आप सेडेड मोड में हो ऑलरेडी और या तो आप चले जाओ इसका इन्वामेंट में भी लगा सकते हो चलो मैं अभी मटेरियल पे ही लगा देता हूँ एक मटेरियल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे वॉल्यूम स्कीटर ओके प्रिंसिपल वॉल्यूम के बाद बारे में भी मैं एक साइफे सीन बना के आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट कभी लेकिन आज मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसमें हम लगाएंगे एक वॉलूम स्केटर सो वेयर इट इज़ वॉल्यूम स्केटर और वॉल्यूम स्केटर में जैसे कन्वर्ट होता है आपका यहाँ पे डेंसिटी पॉइंट टू वन करो और अभी आपका कैमरा में आप देखोगे यहाँ से आप इस मोड पे जाके आपका ऑन है आप थोड़ा सा चले जाओ इस व्यू से ठीक है आप इससे सेलेक्ट करके अभी जो हमने लाइट यूज़ किया है वो हमारा क्या है <coughs> सन लाइट यूज़ किया हुआ है तो आप लाइट को सिलेक्शन कर लो यहाँ से और इस लाइट को आप कन्वर्ट कर दो सन से आपको नॉर्मल पॉइंट लाइट में और यहाँ पे अगर मैं रेंडर मोड पे हूँ ओके okay, तो मैं इसमें जो हमने वॉलूम लगाया है जो हमारा ये क्यूब है क्यूब के अंदर हमारा बोलोमेटिक यूज़ हो रहा है ना तो ये बोलोमेटिक सेलेक्टेड सबसे पहले आप इसका नोट पर जाओ सलेक्टेड वॉलूम जो हमारा लगा हुआ है आई थिंक ये क्यूब स्क्यूब का नाम रख दो इन्वामेंट वॉल्यूम वॉल्यूम समथिंग ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ मैं इसे रिकोगनाइज रहेगा देन सॉरी ये इस इसके अंदर हम लोग करते हैं यहाँ पे आते हैं जीरो नम पैड का हम लोग ये नम पैड का पीरियड बटन को प्रेस करते हैं फिर यहाँ पे जो इसका डेंसिटी है अभी बहुत डेंसिटी अगर आप देखोगे वन डेंसिटी रहता है अगर तो बिल्कुल ब्लैक होगा और जैसे जैसे डेंसिटी हम कम करते हैं पॉइंट जीरो टू मान लो तो आप देखोगे यहाँ पे डेंसिटी कुछ ऐसा आपका फॉग का होगा तो फॉग का डेंसिटी अगर मैं और कम करता हूँ पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव तो फॉग आपका कम होता जाएगा ऐसा और जो हमारा प्लेन है नीचे का जो हमने प्लेन यूज़ किया है इसमें जो मटेरियल लगे हुए है है ना या इस पर एक मटेरियल लगा दो आप नॉर्मल और इसका आप रखो प्रिंसिपल बी ही रहेगा लेकिन इसका आप इसका थोड़ा सा ग्लोसिनेस कम कर लो है ना जैसे मेटेलिक या स्पेक्लरिटी को हम कम कर लेते हैं लेस ओके सिंपल ऐसा रखते हैं और थोड़ा सा लाइट आपको लगता है कि ज़्यादा करो इसको बेस कलर को तो आप रख सकते हो कोई भी खास कलर देन वाइट समथिंग ऐसा तो इस तरीके से हम लोग एक साईफाई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं और हमारा कैमरे मोड पे जा के मैं देखूं और कैमरे से आप क्या करो कैमरा का प्रॉपर्टी में जाओ तो कैमरा सेलेक्टेड दिस कैमरा सेलेक्टेड हम इसको और कम कर देते हैं ट्वेंटी रखते हैं ताकि आपको प्रॉपर व्यू हो इसको आप ऐसे व्यू कर सकते हो अगर ज़्यादा हो गया फोकल लेंथ ट्वेंटी फाइव ही रखो और इसको थोड़ा सा जूम करके और आउट और इसका जो इंड डिस्टेंस है एंड क्लिप स्टार्ट क्लिप स्टार्ट डिस्टेंस इंड डिस्टेंस को आप 100 से 1000 कर दो ताकि इसको बैक तक दिखेगा यह पॉइंट जीरो ज़ीरो वन हम रखते हैं कम ताकि आपका जब रेंडर में आएगा तो इसको इंड तक आपका ऐसा दिख सकता है आप थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा जूम कर लो इसको अपने हिसाब से तो ये आपका साईफाई सिटी है ओके इस तरीके से आप एक अब इसमें आपको अगर ग्लो ए, ये सब आपको कंट्रोल करना है तो आप जितने भी आपने बनाया है इसमें जो मटेरियल लगा है आप सेडेड मोड पे हो अभी सेडिड मोड पे देन यहाँ पे नम पैड का पेड बटन प्रेस करो देन आप इसको कम कर सकते हो जैसे मैं इसको फाइव किया थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है या टू किया इंटेंसिटी कम कर सकते हैं तो हर एक बिल्डिंग को आप ऐसे अलग अलग नाम से जो भी है इसको अगर आप बढ़ाते हो इसको भी फाइव रखो कम रखो देन आप बहुत सारा इसमें सिलेंडरकल है सिलेंडर में हमने ग्रीन रखा था तो ये देखो इसमें आप थोड़ा सा लाइट बढ़ा सकते हो जैसे टेन कर दो तो इसकी लाइट ग्रीन लाइट बढ़ जाएगी तो मतलब ये तो वेरिएशन है और मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री नोट बताने की कोशिश किया जो आपको यूज हो सकता है और ज्योमेट्री नोट का आप देखो एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हो तो ये है आपका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नोट का जो हमने अब तक बनाया है आप इसको एक बार देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर तो इस तरीके से जितना भी स्कैटर है मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में ज्योमेट्री नोट के बारे में और आप ज्योमेट्री नोट का बहुत ज़्यादा मोशन मोशनग्राफी देन आप इस तरीके का प्रोसीडरल मॉडलिंग का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो ठीक है तो अब डिपेंड करता है कि बिल्डिंग को आप कितना डिटेल बनाते हो उसके ब्याह पे आपका एक सीन बनती है इस टाइप से कुछ ये होता है प्रोसीडरल बिल्डिंग क्रिएशन देन इसको जी प्रेस करके इधर लाओ यहाँ पे आप चाहते हो कि एक लाइट दिखाऊं तो लाइट सेलेक्टेड इसका पावर कर लो वन थाउजेंड या आप इससे ज़्यादा रखो फाइव थाउजेंड तो इस टाइप से आपका कुछ एक ऐसा सीन बनता है तो आज का जस्ट इतना ही और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय